अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मौलिमा मिस शाजिया नाज। आज हम क्लास ششم का नज़म जो है गुलशन उर्दू की किताब है उसमें से नज़म हम्द के मैं आपको बुलंद खानी भी करूँगी और नज़म हम्द आपको साथ साथ समझाती भी जाऊँगी। ठीक है बेटा, नज़म हम्द जो है वो दाग दहलवी ने लिखी है। यारब है यारब बख्श देना बंदे को काम तेरा, महरूम ना रह जाए कल ये गुलाम तेरा। इस शेर में शायर फरमा रहे हैं, दाग दहलवी इस नज़म के शायर हैं, वो फरमा रहे हैं कि यारब या अल्लाह बंदों को बख्श दे, क्योंकि बंदों को बख्शना तेरा काम है। तू कादर कुदरत है, तू बंदों को बख्श दे, तू रहीम करीम है, तू बंदों को बख्श दे। ऐसा ना हो कि कल तेरा ये गुलाम जो है, यानी कि वो अपने आप को गुलाम कह के तशबीह दे रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कल तेरा ये गुलाम महरूम रह जाए, कि इसकी कल बख्शिश ना हो जाए। तो या अल्लाह मुझे बख्श देना। जब तक है दिल बदन में हरदम हो याद तेरी, जब तक ज़बाँ है मुंह में जारी हो नाम तेरा। इस शेर में शायर फरमा रहे हैं कि या अल्लाह जब तक मेरे जिस्म में दिल धड़क रहा है, तब तक मेरे मालिक हर वक्त मैं तेरी याद में मशगूल रहूँ, हर वक्त मैं तेरी इबादत करता रहूँ। जब तक मेरे मुंह में ज़बान हो, मैं हर वक्त तेरा ही जिक्र करता रहूँ, मेरी ज़बान से हर वक्त तेरा ही जिक्र होता रहे। ईमान की कहेंगे ईमान है हमारा, अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल तेरा, मुसहफ कलाम तेरा। इस शेर में शायर फरमा रहे हैं कि ईमान की बात यह है कि हमारा ईमान जो है रब्बे कायनात वो सिर्फ तुझ पे ही है, वो अल्लाह पे अपना ईमान रख रहा है, और साथ में ये भी कह रहा है कि या अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तेरे आखिरी नबी और रसूल हैं, और कुरान पाक तेरा सच्चा और साफ कलाम है, तेरी वो किताब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है। तू ही देने वाला पस्ती से दे बुलंदी, असफल मुकाम मेरा आला मुकाम तेरा। इस शेर में शायर फरमा रहे हैं कि या अल्लाह ये तेरी कुदरत है, तू ही है जो पस्ती यानी कि सबसे नीचे हिस्सा जवाल की तरफ, तू जिसे चाहे उसे ज़मीन से उठा के बुलंदी पे पहुँचा दे, ऊंचाई अता कर दे। यानी किसी, आपने देखा होगा कभी किसी गरीब को अमीर हो जाता है, कभी बहुत नीचे दर्जे का इंसान होता है तो वो बहुत आला दर्जे पे पहुँच जाता है, आला मुकाम पे पहुँच जाता है। तो शायर यहाँ इसी बात को तशबीह देके बोल रहे हैं कि या अल्लाह तू ही है जो किसी को नीचे से ऊँचा कर दे। मेरा मुकाम जो, यानी शायर अपना मुकाम सबसे नीचे रख रहा है कि मेरा मुकाम तो ये है कि मैं ज़रा हूँ, खाक का ज़रा, और तू एक आली शान और एक आला मुकाम वाला है, तू बुलंद व बाला है। महरूम क्यों रहूँ मैं, जी भर की क्यों ना लूँ मैं, देता है रिज़क सबको फैज़ आम तेरा। इस शेर में शायर फरमा रहे हैं कि या अल्लाह या रब करीम मैं क्यों महरूम रहूँ, जब तू सबको रिज़क बांट रहा है, सबको रोज़ी रिज़क दे रहा है, तो मैं क्यों महरूम रहूँ, मैं क्यों ना लूँ। यहाँ पे इस मफहूम यह है कि हम, यानी कि जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल करता है और हमें बेहिसाब अता करता है। तो यहाँ पे शायर अपने आप को यही कह रहे हैं कि या अल्लाह मैं भी महरूम नहीं रहूँगा, क्योंकि तेरा रिज़क जो है तू देने वाली ज़ात है, वो तू सबको देता है। आपने देखा होगा ना, अल्लाह पाक समंदर की तहों में जो जानवर हैं उनको भी रोज़ी अता करता है, जो परिंदे हैं उनको भी रोज़ी देता है, जो इंसान हैं उनको भी रोज़ी देता है, अल्लाह पाक सबको रोज़ी अता करता है। तो यहाँ पे शायर यही फरमा रहे हैं कि या अल्लाह मैं भी महरूम नहीं रहूँगा, क्योंकि तू सबको रिज़क देने वाला है। ये दाग भी ना होगा तेरे सिवा किसी का, कौनेन में है जो कुछ वो है तमाम तेरा। यहाँ शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, दाग उनका तखल्लुस है, उन्होंने अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हुए कहा है कि दाग भी तेरे सिवा किसी का नहीं है, कि या अल्लाह वो तेरा ही बंदा है, तेरा ही गुलाम है, वो तेरे सिवा किसी का नहीं है इस पूरी दुनिया में। कौनैन का मतलब है दुनिया, उस दुनिया में जो कुछ भी है मेरे मालिक वो सिर्फ तेरा है। दरख्तों के चाहे वो पत्ते हों, चाहे वो मिट्टी के ज़रे हों, चाहे वो इंसान जानवर चरिंद परिंद जो कुछ भी है, या अल्लाह सब कुछ जो है वो सिर्फ तेरा है। हम इंसान कुछ भी नहीं है, हम इंसान फ़ानी है, दुनिया सारी फ़ानी है, और तू हमेशा रहने वाली ज़ात है।
मैंने नज़म की बुलंदफानी भी की है और उसको समझाया भी है। आप भी घर में इस नज़म को हम्द को 2 से 3 दफ़ा बुलंदफानी कीजिएगा और जो स्टडी पैक का काम है वो अच्छे तरीके से कीजिएगा, ना सिर्फ कीजिएगा बल्कि याद भी कीजिएगा। और अगर काम में लिखने में या आपको समझने में कुछ भी मुश्किल हो तो अपने क्लास टीचर से कॉन्टेक्ट करके मुझे बताइएगा कि आपको क्या मसला है, मैं इंशाल्लाह वो आपका मसला हल कर दूँगी। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।